द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नवम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 14वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 14वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहद कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। चौदहवां अध्याय। चंद्रवंश एवं उर्वशी और पुरुरवा की कथा। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, चंद्रवंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े श्रेष्ठ राजाओं का वृतांत आता है। अब मैं तुम्हें उनके चरित्र के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मा जी के पुत्र श्री अत्रि मुनि थे। अत्रि मुनि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों, औषधियों और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उसने राजसूय यज्ञ करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और आचार्य बृहस्पति की पत्नी तारा को बलपूर्वक हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए चंद्रमा से बार बार प्रार्थना की, परंतु मद से मतवाला होकर चंद्र ने उनकी पत्नी को वापस नहीं किया। ऐसी स्थिति में देव और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य आचार्य बृहस्पति से द्वेष रखते थे, इसलिए उन्होंने तथा उनके शिष्य असुरों ने चंद्रमा का साथ दिया, जबकि महादेव जी ने समस्त भूतगणों के साथ बृहस्पति का पक्ष लिया। जब संघर्ष बहुत बढ़ गया तो बृहस्पति के पिता ऋषि अंगिरा ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस युद्ध को बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत बुरा भला कहा और तारा को वापस बृहस्पति को दिला दिया। लेकिन तभी बृहस्पति को पता चला कि तारा गर्भवती है। उन्होंने अपनी पत्नी को फटकारते हुए कहा, दुष्टा,
तूने पाप किया है, यह गर्भ मेरा नहीं है, तू इसे नष्ट कर दे, मैं तेरा अपराध क्षमा कर दूंगा। तू देवी है, अतः मैं तुझे निर्दोष मानता हूं। अपने पति की बात सुनकर तारा ने कहा, आपकी बात सुनकर मैं इसे नष्ट तो नहीं कर सकती, किंतु इसे त्याग अवश्य सकती हूं। ऐसा कहकर उसने स्वर्ण के समान चमकता हुआ एक पुत्र अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही मोहित हो गए और उस बालक को लेना चाहने लगे। वे परस्पर झगड़ा करने लगे कि यह बालक उनका है। तब ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह बालक किसका है। तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने स्नेह से तारा को अलग ले जाकर पूछा कि वह बालक किसका है। तब तारा ने लज्जा से सिर झुकाकर धीरे से कहा, यह चंद्रमा का है। ब्रह्मा जी ने उस बालक को चंद्रमा को दे दिया। चंद्रमा ने उस बालक का नाम बुध रखा। वह बालक गंभीर बुद्धि का था। ऐसा पुत्र प्राप्त कर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ। परीक्षित, बुध का विवाह इला से हुआ। उससे उसे पुरुरवा नामक पुत्र हुआ। एक बार चंद्रमा के सभा में देवर्षि नारद पुरुरवा के रूप गुण की प्रशंसा कर रहे थे। उसे सुनकर उर्वशी के मन में काम भावना का उदय हो गया। वह पुरुरवा के पास पहुंची और अपना प्रणय निवेदन किया। देवांगना उर्वशी को देखकर पुरुरवा का मन चलायमान हो उठा। उसने उर्वशी का अपने महल में स्वागत किया और उसके सम्मुख अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर दिया। उर्वशी ने कहा, राजन, आप कामदेव के समान सुंदर हैं, भला ऐसी कौन रमणी होगी जो आपके रूप गुण पर मोहित नहीं होगी। जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है, उसे सभी स्त्रियां पसंद करती हैं। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के दो बच्चे दूंगी, आप उनकी रक्षा करना। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं आपको कभी निर्वस्त्र ना देखूं। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको छोड़कर तत्काल चली जाऊंगी। पुरुरवा ने उसकी दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। परीक्षित, उसके बाद दोनों स्वच्छंद विहार करने लगे। उसके साथ पुरुरवा ने वर्षों तक विहार किया। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तो उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा। वे गंधर्व रात के समय पुरुरवा के महल में चुपचाप गए और धरोहर के रूप में रखे दोनों भेड़ के बच्चों को चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब भेड़ के बच्चों की बें बें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। वह उठकर पुरुरवा के पास पहुंची। उस समय पुरुरवा निर्वस्त्र पड़ा सो रहा था। उर्वशी ने उसे फटकारा, तुम बड़े मर्द बनते हो, कायरों की तरह पड़े सो रहे हो और वे गंधर्व मेरे पुत्रों के समान भेड़ के बच्चों को चुरा कर लिए जा रहे हैं। पुरुरवा शीघ्रता से उठा। उसे अपने निर्वस्त्र होने का भान ही न रहा। वह तलवार खींचकर गंधर्वों के पीछे भागा। गंधर्व भेड़ के बच्चों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। राजा पुरुरवा उन दोनों बच्चों को वापस ले आया।
तभी उसे अपने नग्न होने का आभास हुआ। जब तक वह वस्त्र पहनता तब तक उर्वशी उसे छोड़कर चली गई। परीक्षित, उर्वशी के जाने से राजा पुरुरवा अनमना हो गया। वह शोक से विह्वल होकर उर्वशी को याद करता हुआ इधर उधर भटकने लगा। वह एक दिन विरह में व्याकुल होकर कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने उर्वशी को अपनी 5 सखियों के साथ जल विहार करते देखा तो उसने कहा, प्रिय, मुझे छोड़कर इस प्रकार न जाना, मेरी बात सुन लो। तुम्हारे बिना मेरे इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है। यह शरीर तो अब ढेर हुआ जाता है, तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। क्षण भर ठहर कर मुझसे बात कर लो। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो तो पुरुष की तरह रहो, इस प्रकार कायरता की बातें मत करो। स्त्रियों की मित्रता ऐसे कायरों के साथ कदापि नहीं होती। स्त्रियों और भेड़ियों का हृदय एक जैसा ही होता है, वे निर्दयी होती हैं। जरा सी बात पर ही वे तुनक जाती हैं। अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। भोले भाले लोग इन पर विश्वास करके ठगे जाते हैं। तुम्हें धीरज रखना चाहिए, तुम राज राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रत्येक वर्ष के बाद रात्रि में तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारा वंश चलेगा। इस समय भी मेरे गर्भ में तुम्हारी संतान पल रही है। उर्वशी की बात सुनकर राजा पुरुरवा प्रसन्न होकर वापस चला गया और एक वर्ष बीत जाने पर फिर वहां आया। उर्वशी ने राजा का पुत्र उसे दिया। उस रात वे दोनों साथ साथ रहे। प्रातःकाल विदा होते समय वे विरह दुख से दीनहीन हो गए। तब उर्वशी ने राजा से कहा, राजन, तुम गंधर्वों की स्तुति करो, वे चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। परीक्षित, राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उसे अग्नि जलाने का एक पात्र दिया और कहा, राजन, इस पात्र के द्वारा यज्ञ करने पर तुझे गंधर्व लोक में आने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। राजा पुरुरवा उस अग्नि पात्र को लिए उर्वशी की याद में इधर उधर भटकता रहा। उसने उस पात्र को एक वन में छोड़ दिया और अपने महल लौट आया। त्रेता युग आने पर उसके हृदय में वेद मंत्रों का उदय हुआ। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने वह अग्नि पात्र छोड़ा था। अब वहां पर शमी वृक्ष के गर्भ से पीपल का एक पेड़ उठ आया था। राजा ने उर्वशी की कामना के लिए उस वृक्ष से 2 अरणियां बनाई और अग्नि प्रज्वलित करके ओमकार मंत्र का जाप करते हुए यज्ञ किया। उसके मन में उर्वशी से मिलन की चाह के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। इस प्रकार वह नित्य यज्ञ करने लगा। अंत में एक दिन उसे गंधर्व लोक जाने का मार्ग प्राप्त हो गया। वह गंधर्व लोक पहुंचकर उर्वशी के साथ विहार करने लगा। 15वां अध्याय। राजा पुरुरवा के पुत्रों और ऋचिक, जमदग्नि एवं परशुराम जी का चरित्र।
परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से राजा पुरुरवा को 6 पुत्र प्राप्त हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का पुत्र था श्रुतंजय, रय का पुत्र एक और जय का अमित था। विजय का भीम, भीम का कांचन, उसका होत्र उसका जहन्नू था। जहन्नू ने अपनी अंजलि में पूरी गंगा को पी लिया था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने उसे जांग फोड़ कर निकाला था, इसी से वह जहन्नू कहलाया था। जहन्नू का पुत्र था पुरु, उसका बलाक और उसका पुत्र था अजक, अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाम। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी मुनि हुए। परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम सत्यवती था। ऋषिक ऋचि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी को लगा कि यह उसकी कन्या के लिए योग्य वर नहीं है, इसलिए उसने कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे दीजिए जिनका सारा शरीर तो सफ़ेद हो पर एक कान काला हो। यह बात गाधी ने ऋचिक को टालने के लिए कही थी। ऋचिक ऋषि वहाँ से वरुण के पास आए और उससे 1000 अश्व लेकर वापस गाधी के पास आए और घोड़े उसे सौंप दिए। गाधी ने अपनी कन्या सत्वती से ऋचिक का विवाह संपन्न करा दिया। एक बार ऋचिक ऋषि की सास और पत्नी ने उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की। महर्षि ऋचिक ने दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु अर्थात खीर पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने समझा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा। उन्होंने उससे वह खीर मांग लिया और खा लिया। बदले में सत्यवती ने अपनी माता का चरु खा लिया। वापस लौटकर जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, तुम्हारा पुत्र लोगों को दंड देने वाला क्रोधित प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती को बड़ी चिंता हुई। उसने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वे कोई उपाय करें। ऋचिक ऋषि ने उससे कहा, ठीक है, तुम्हारे पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र घोर प्रकृति का होगा। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ और सत्यवती की माँ के गर्भ से ऋषि विश्वामित्र का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह राजा पुत्री रेणुका से हुआ। जमदग्नि मुनि ने रेणुका के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे छोटे परशुराम थे जो महाक्रोधी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि है क्षत्रिय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लोगों का कहना है कि वे क्षत्रिय ब्राह्मणों के विरोधी हो गए थे।
इसी कारण ब्राह्मणों के नेता के रूप में परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश करके धरती का बोझ हल्का कर दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, माना कि उस समय के क्षत्रिय धन और विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण उन्हें बार बार क्षत्रियों का संहार करना पड़ा? श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, उन दिनों है वंशी क्षत्रियों का अधिपति अर्जुन था। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने घोर तपस्या करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए थे। उसने उनसे 1000 भुजाएं और युद्ध में अपराजेय होने का वर प्राप्त किया था। इंद्रियों का अपार बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, शौर्य, शारीरिक बल, विक्रम भी उसके पास था। योग साधना से वह योगेश्वर कहलाने लगा था। वह योग शक्ति से कैसा भी रूप धारण करने में सक्षम था। सभी तरह की सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वह संसार में वायु के समान गति से विचरण किया करता था। सातों द्वीपों पर उसका अधिकार था। एक बार की बात है कि वह अपनी बहुत सी सुंदर पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के जल में विहार कर रहा था। उस समय उसने अपनी 1000 बाहों से बलपूर्वक नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया। ऊपर की ओर दशानन रावण का शिविर भी पड़ा हुआ था। रावण नदी के तट पर बैठा पूजा कर रहा था। जब नदी की धारा उल्टी बहने लगी तो उसका शिविर डूबने लगा और उसकी पूजा की सामग्री भी जल में डूब गई। रावण अपने को बड़ा वीर मानता था। शक्ति के मद में वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। उसने पता लगाया कि पानी का प्रवाह रुक कैसे गया। जब उसे सहस्त्रार्जुन की चतुराई का पता चला तो उसने उसके पास जाकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई और उसे युद्ध के लिए ललकारा। सहस्त्रार्जुन ने उससे युद्ध किया और उसे बांधकर अपनी राजधानी महिष्मति ले गया। वहां उसने उसे बंदर के समान पिंजरे में बंद कर दिया। बाद में रावण के पितामह पुलस्त्य जी के कहने पर ही सहस्त्रार्जुन ने उसे छोड़ा। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार के लिए वन में गया तो वह दैववश जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। भूख प्यास से वह बेहाल हो रहा था। जमदग्नि मुनि के आश्रम पर कामधेनु गाय रहती थी। उसके प्रताप से मुनि ने राजा के सैनिकों, मंत्री और सेनापतियों का खूब आदर सत्कार किया। जमदग्नि मुनि के ऐश्वर्य को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया। उसने कामधेनु को अभिमानवश अपने लिए मांगा तो मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। इस पर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इसे जबरन अपने साथ ले चलो। उसकी आज्ञा से सैनिक बलपूर्वक छीन कर उस कामधेनु को महिष्मति ले आए। उनके चले जाने के बाद परशुराम आश्रम पर आए और राजा के दुष्टता का समाचार सुना तो वे तिलमिला उठे। क्रोध में भरे हुए परशुराम ने अपना धनुष और फरसा उठाया और बड़े वेग से राजा के पीछे दौड़ पड़े। सहस्त्रार्जुन अभी नगर में प्रवेश ही कर रहा था कि उसने क्रोध में सांप की तरह फुफकारते हुए परशुराम को अपनी ओर आते देखा।
उन्हें रोकने के लिए राजा ने सेना उनकी ओर भेज दी। परशुराम ने देखते ही देखते अपने धनुष बाण फरसे से सारी सेना को अकेले ही गाजर मूली की तरह काट डाला। परशुराम की गति वायु के समान थी और प्रहार विद्युत की भांति थे। जिस ओर भी वे निकल जाते उसी ओर वीरों के शरीर कट कट कर गिर पड़ते। वह दृश्य देखकर हय हय राज सहस्त्रार्जुन को बड़ा क्रोध आया। वह स्वयं तेजी से परशुराम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक साथ ही अपनी हजार भुजाओं पर धनुष चढ़ाए और परशुराम पर बाणों की वर्षा कर दी। परंतु परशुराम जरा भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष पर मंत्र पढ़कर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण हजारों बाणों में विभक्त होकर सहस्त्रार्जुन के सभी बाणों को काट कर पुनः परशुराम के पास लौट आया। उस चमत्कार को देखकर सहस्त्रार्जुन हैरान रह गया। सहस्त्रार्जुन एक विशाल पेड़ उखाड़कर परशुराम की ओर झपटा, परंतु परशुराम ने उसे भी छिन्न भिन्न कर दिया। उसके बाद परशुराम ने अपने तीखे बाणों से सहस्त्रार्जुन के हजार बाहों को और उसके पहाड़ से बड़े सिर को काट डाला। पिता को मरते देख उसके लड़के और 10,000 लड़ाके डर कर युद्ध भूमि से भाग गए। परीक्षित, इस प्रकार परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध करके कामधेनु को वापस ले लिया और आश्रम में ले गए। उन्होंने गाय को अपने पिता को सौंपते हुए सारा वृतांत सुनाया तो परशुराम के पिता मुनिवर जमदग्नि बोले, हाय हाय परशुराम, तूने बड़ा पाप किया। राम राम, तू बड़ा वीर सही, परंतु सर्वदेव में नर देव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। पुत्र, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम लोग संसार में पूजे जाते हैं। हमारी तो बात ही क्या, स्वयं सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल पर ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की किरणों के समान द्युतिमान हो उठती है। भगवान श्री हरि भी क्षमा करने वालों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पुत्र, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करो और अपने पाप कर्म का प्रायश्चित करो। 16वां अध्याय। परशुराम द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी का वंश। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, अपने पिता के आदेश पर परशुराम जो आज्ञा कहकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। एक वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके वे अपने आश्रम पर लौटे। एक दिन की बात है कि परशुराम की माता रेणुका गंगा तट पर जल लेने गई हुई थी। वहां उन्होंने गंधर्व राजा चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल विहार करते हुए देखा। जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व राज को देखकर वे हर्षित हो रही थी। उधर पतिदेव के हवन का समय हो गया था। हवन का समय बीत गया। एकाएक उन्हें ध्यान आया तो वे विचलित हो उठी। वे तुरंत जल लेकर आश्रम पर पहुंचे। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। जमदग्नि मुनि ने योग बल से
अपनी पत्नी के मन की बात जान ली। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों इस पापिनी को मार डालो। उस समय वे क्षमा की बात को भूल गए, परंतु उनके चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की। पांचवें पुत्र परशुराम उस समय वन में गए हुए थे। जब वे वापस आए तो जमदग्नि मुनि ने परशुराम से भी यही कहा, राम इस दुष्टा का सिर धड़ से अलग कर दो। परशुराम पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने कारण पूछे बिना ही अपने फरसे से अपनी माता का सिर काट डाला। साथ ही अपने चारों भाइयों को भी पिता की आज्ञा न मानने के दंड स्वरूप मार डाला। इसका एक कारण यह भी था कि वे अपने पिता के योग और तपस्या के प्रभाव को अच्छी प्रकार से जानते थे। परशुराम के इस कृत्य से जमदग्नि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई फिर से जीवित हो जाए, साथ ही इन्हें इस बात की स्मृति भी न रहे कि मैंने इन्हें मारा था। परशुराम के ऐसा कहते ही जमदग्नि मुनि ने अपने तपोबल से सभी को जीवित कर दिया। परशुराम इससे बहुत प्रसन्न हुए। सहस्त्रबाहों के जो लड़के पिता के मरने के बाद भाग गए थे, उनके मन में पिता की मौत का बदला लेने की आग अभी तक धधक रही थी और वे अवसर की ताक में थे। एक बार जब परशुराम अपने भाइयों के साथ वन में गए हुए थे तो उन्हें अवसर मिल गया। वे शस्त्र बल के साथ आश्रम जा पहुँचे और यज्ञ करते हुए जमदग्नि ऋषि को उन्होंने मार डाला। परशुराम की माता रेणुका की पुकार भी उन्होंने नहीं सुनी। वे बलपूर्वक जमदग्नि मुनि का सिर काट कर ले गए। रेणुका रोती कलपती अपने पुत्रों के आने की बाट जोहती रही। कुछ देर बाद परशुराम अपने भाइयों के साथ जब आश्रम पर आए और उन्होंने वहाँ का कांड देखा तो वे क्रोध में अंगार बन गए। उन्होंने विलाप करते हुए पिता का शव दाह संस्कार के लिए अपने भाइयों पर छोड़ दिया और स्वयं क्षत्रियों का संहार करने का संकल्प कर डाला। परीक्षित, परशुराम क्रोध में भरकर महिष्मति पहुँचे और उन्होंने सहस्त्रबाहों के पुत्रों को मारकर उनके सिरों का एक ऊंचा पहाड़ महिष्मति के बीच में खड़ा कर दिया। उन क्षत्रियों के रक्त से वहाँ एक नदी बह निकली। उसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय कांप कांप जाता था। परशुराम को सभी क्षत्रिय लोभी और अत्याचारी लगने लगे थे, इसलिए उन्होंने क्षत्रियों का वंश नाश करने के लिए 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में क्षत्रियों के रक्त से 5 बड़े तालाब बन गए थे। परशुराम ने अपने पिता का सिर लाकर उसे फिर से धड़ से जोड़ दिया था और विधि विधान के अनुसार उनका दाह संस्कार किया था। इसके बाद यज्ञ करके वे सभी पापों से मुक्त हो गए थे। ब्रह्म नदी सरस्वती पर ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सम्मान किया था और उन्हें भगवान का पद प्रदान किया था। उसके बाद वे शक्ति के लिए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। वहां सिद्धों, गंधर्वों और चारणों ने उनके चरित्र का मधुर स्वर से जयगान किया था, जो आज तक गाया जाता है। राजर्षि विश्वामित्र।
परीक्षित, महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी थे। उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए। उनका एक पुत्र मधुछंदा था। उनके सभी पुत्र मधुछंदा के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजीगर्त के पुत्र और अपने भांजे शुनःशेप को, जिसे देवरात भी कहा जाता है, पुत्र रस में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने शेष पुत्रों से उसे बड़ा भाई मानने के लिए कहा था। इसी शुनःशेप ने राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में अपनी बलि दी थी और हरिश्चंद्र को रोग मुक्त किया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि के स्तुति करके उसे पुनः जीवन दान दिलाया था। देवताओं द्वारा इसे वापस दिए जाने के कारण ही इसे देवह रातः अर्थात देवताओं द्वारा दिया गया कहा गया था। बाद में शुनःशेप महान तपस्वी हुआ। विश्वामित्र के बड़े पुत्रों को शुनःशेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी थी। इसी पर विश्वामित्र जी ने उन्हें शाप देकर मलेच्छ बना दिया था। विश्वामित्र के 49 बड़े पुत्र इस प्रकार मलेच्छ हो गए थे और नीचे के 51 भाइयों ने पिता की आज्ञा मानकर उन्हें बड़ा भाई स्वीकार कर लिया था। इस पर विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उन्हें सुपुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। परीक्षित, विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान आदि भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र की संतानों के कारण कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए। देवरात को बड़ा भाई मान लेने के कारण उसका गोत्र ही दूसरा हो गया था। इस प्रकार 16वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।